Hello student, good morning, welcome back our nursery class. Today our subject is art and creativity. But सबसे पहले हम भगवान को याद कर लेते हैं. So we should pray to God. We start prayer. Thank you God for world so sweet. Thank you God for food we Thank you God for birds that sing. Thank you God for everything. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru. साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम शांति 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 आर्ट एंड क्राफ्ट तो हम करेंगे ही आज लेकिन उससे पहले हम थोड़ा गुड हैबिट सीख लेते हैं. गुड हैबिट गुड गुड यानी अच्छा हैबिट यानी आदत. यहाँ पे कुछ गुड हैबिट दिया है देखो तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका बिहेव कैसा होना चाहिए आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए. सो बी रेडी. तो हम यहाँ पे गुड हैबिट देखते हैं. फर्स्ट है वेक अप अर्ली यानी जल्दी उठना है. देखो यहाँ पे लड़का जल्दी उठ रहा है और ये उसकी मॉम है जो उसको गुड मॉर्निंग विश कर रही है और बच्चा भी उसको सामने रिप्लाई दे रहा है गुड मॉर्निंग ममा. तो सब जल्दी उठना है सुबह में वो हमारी एक गुड हैबिट है. सेकंड उठ के हमें क्या करना है ब्रश करना है. My teeth are shining because I brush them daily. Third, अच्छी आदतों के साथ हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए है ना. तो I exercise daily. I exercise daily. यानी हमें कसरत करनी है. एक्सरसाइज के बाद क्या आता है अ टेक बाथ डेली. हमें रोज़ नहाना है. नहाने से क्या होगा हम अच्छे दिखेंगे क्लीन दिखेंगे है ना. आप नहाते हो ना रोज़ तो आई टेक बाथ एवरी डे. देन आफ्टर आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट में ज़रूरी है दूध पीना. हमें दूध पीना है सुबह में हमें दूध पीना है. आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. आई हेल्प माई मदर. तो मदर को हेल्प करना है घर के काम में मम्मी का हाथ बटाना है. ओके हम हैवी काम तो नहीं कर सकते पर छोटा मोटा काम करके मम्मी का हाथ बटा सकते हैं. तो आई हेल्प माई मदर. I am active because I am go to school every day. School every day जाना है. School जाना है. School जाने से क्या होता है हमारे नए नए friends बनते हैं है ना. और पढ़ाई कराते हैं school में तो हमें सब कुछ आ जाता है. तो active रहना है school जाने में. active रहना है हमें. I am active because I go to school every day. I finish my lesson before playing. School के बाद वो घर पे आता है तो पहले lesson करता है homework. वो कब करता है
जब खेलने जाता है उससे पहले वो अपना होमवर्क फिनिश कर देता है, बाद में खेलने जाता है। तो हमें भी यही करना है, ये एक अच्छी आदत है। आई फिनिश माय लेसन बिफोर प्ले टाइम। आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, ये भी एक अच्छी बात है। खेलने से क्या होता है, हमारा माइंड भी शार्प होता है और हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है। हैव माई डिनर अर्ली, फिर हमें डिनर भी करना है जल्दी जल्दी से। आई वॉच टीवी एट नाइट, देखते हो ना आप टीवी, अच्छी बात है। ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, थोड़ा देखना है, ओके। आपको जो अच्छा लगे, कार्टून अच्छा लगे तो कार्टून देखो, अच्छे से मूवी देखो, कुछ भी देखो, पर थोड़ा देखो, बहुत सारा टीवी नहीं देखना है, वो हमारी आइस पे इफेक्ट होगा, हमारी आइस जल्दी खराब हो जाएगी। तो टीवी देखना है पर थोड़ा देखना है, इंजॉय के लिए देखना है, ओके। तो आई वॉच टीवी एट नाइट। आई गो टू बेड अर्ली, यानी जल्दी जल्दी सो जाना है। अगर आप जल्दी सो जाओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, इसलिए यहाँ पे ये आई गो टू बेड अर्ली, वो जल्दी जल्दी सो जाता है, ये भी एक अच्छी आदत है। तो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको जो गुड हैबिट समझाई है, एक्सप्लेन किया है, उसको आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है, ओके। जल्दी उठना है, ब्रश करना है, एक्सरसाइज करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, मम्मी की हेल्प, होमवर्क, सब कुछ आपको अपनी आदत में डालना है। इसको फॉलो करके यू शुड बी लाइक बी है ए गुड गर्ल एंड गुड बॉय। तो हम आज आर्ट एंड क्रिएटिविटी, जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स इंग्लिश, वैसे ही ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है जो हम वीक में एक बार करते हैं। इससे हमारा माइंड शार्प होता है, हम क्रिएटिविटी जो करते हैं उससे हमारा क्रिएटिविटी जो करते हैं हमारा दिमाग शार्प होता है और हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। ये रहा हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट, देखो ये इसका कवर है, ये देखो मैंने कवर से निकाला है, ये कवर है और ये हमारी बुक है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, इयर्स 3 to 5 years, यानी नर्सरी वालों के लिए ये बराबर है। इसमें ज़्यादा हार्डवर्क नहीं है, छोटा छोटा सा है जो उनके दिमाग में आ सके कि ये एक्चुअल चीज क्या है। इसमें हम देखेंगे ड्राइंग, ओरिगामी, कॉलेज, पेपर मॉडल, कलरिंग एक्टिविटीज, पेपर क्राफ्ट, स्टिकर। नर्सरी में बच्चों को कलर का तो पता होता है कि चलो ये कलर बोलते हैं और ये कलर यहाँ पे करना है, जैसे तैसे भी, पर उसको कलर पता है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कलर करना है, चाहे कौन सा भी कलर करें। लेकिन कलरिंग के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट करवा सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी होती है। यहाँ पे क्या होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चा बिजी रहता है, हम बच्चे को बिजी रख सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ कलर, शेप एंड लाइंस। अवेयरनेस यानी उसको आइडेंटिफाई करता है, कलर, शेप, लाइंस उसका डेवलप होगा कि इसको कलर बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं, इनको शेप बोलते हैं, शेप भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसको पहचान पाएगा। सेकंड, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे यही करना है, वहाँ पे वो करना है, वो एक डिसीजन ले सकता है। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उससे क्या होगा कि उसको खुद को पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है, उसको क्या करना है, उसको कलर अच्छे लगते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। ओके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेवलपिंग क्रिएट स्किल, मैंने जो अभी बताया वो कि स्किल उसके अंदर क्या स्किल है वो उसको और हमें दोनों को पता चल जाएगा। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन आर्ट एंड अदर सब्जेक्ट, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा अदर सब्जेक्ट में भी क्रिएटिविटी दिखलाएगा, उसको क्रिएट करेगा। जैसे ड्राइंग है, मैथ्स के सब्जेक्ट में भी अब हमारे बहुत सारे ड्राइंग आते हैं, उसको इंग्लिश में भी काम आता है, कलर में भी काम आता है। ओके, देखो ये हमारा नर्सरी सिलेबस का पेज है। आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट ले रहे हैं, ये रहा आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट पेज नंबर 3। आज हम पेज नंबर 3 करेंगे। पेज नंबर 3 पे है कलर्स, पेज नंबर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा इजी दिया है, यानी कलर करना, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ कलर करना है। देखो ये आर्ट एंड क्राफ्ट में और भी आते हैं, ओनली कलर्स नहीं आते, कंटेंट्स भी सारे हैं। देखो यहाँ पे कलर, शेप सब कुछ है, पेंसिल का वो शार्पनर, जब पेंसिल शार्पनर करते हैं तब उसमें से जो निकलता है उसका भी हम यहाँ पे चिपका सकते, आइसक्रीम स्टिक का वो सब कुछ यहाँ पे होता है। लेकिन फर्स्ट पेज हमारा सिर्फ कलर है, और ये रहा हमारा मटेरियल्स, इसका मटेरियल इसके साथ ही आता है। देखो ये, देखो यहाँ पे कॉटन है, यहाँ पे बिंदी है, ये स्टार है, यहाँ पे स्टिक है, थर्मोकोल है, सारा मटेरियल इसी में आता है और इसको हमें संभाल के रखना है। यहाँ पे पेज नंबर भी दिया है कि कौन से पेज में क्या यूज़ होगा, तो आपको उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिक करना है, चिपकाना है, कुछ भी करना है, जो भी अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है वो करना है। तो इसको संभाल के रखना है, ओके, कवर में ही रखना है। तो आज हम कुछ स्टिक नहीं करेंगे, कुछ चिपकाएंगे नहीं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं करेंगे, आज हम सिंपल पहले कलर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे द कलर बलून्स विद गिवन कलर नेम, यहाँ पे कुछ बलून दिए हैं, टेडी बियर है, ओके, टेडी बियर है यहाँ पे। तो बलून में जो कलर करना है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे कलर का नाम भी लिखा है और कलर भी यहाँ पे दिखाया है कि कौन सा कलर यहाँ पे यूज हो। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे येलो है, बस उसका अकॉर्डिंग ही हमें कलर करना है। और ये रहा है हमारे क्रेयॉन कलर्स। यहाँ पे रेड कलर है, ब्लू कलर है, सारे कलर इसमें दिए हैं, वही हमें करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट करो और यहाँ पे ध्यान से देखो। ये मैंने रेड कलर ले लिया है, हमें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पहले ऐसे बॉर्डर बना देनी है ताकि हमारा कलर बाहर ना चला जाए। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसे रेड कलर ऐसे करना है, धीरे धीरे हाथ चलाना है ताकि कलर हमारी लाइन से बाहर ना निकल जाए। अगर बाहर निकल जाएगा तो पेज गंदा लगेगा, और आपको टीचर से स्टार भी लेना है ना, तो अभी तो आपको टीचर स्टार नहीं दे पाएगी, तो आप अपनी मम्मी से स्टार ले लेना अच्छा वर्क करके ऐसे। देखो
यहाँ पे अपना रेड कलर हो गया है। मैंने कितनी ध्यान से कलर किया है, धीरे धीरे कलर किया है ताकि मेरा कलर बाहर ना निकल जाए। ओके, तो आपको भी ऐसे ही करना है। हमारा रेड कलर फिनिश हुआ, अब हम ग्रीन कलर करेंगे। ये रहा हमारा ग्रीन कलर। जैसे हमने रेड बनाया वैसे ही हमको ग्रीन बनाना है, धीरे धीरे आहिस्ता। पहले हमने बलून ऐसे कवर कर लेना है कलर से। ओके, फिर ऐसे आपको स्लिपिंग लाइन आती है? नहीं आती तो स्टैंडिंग लाइन तो मैंने सिखाई ना, तो ऐसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन करो, ऐसे बस ऐसे हाथ चलाओ धीरे धीरे, और बहुत प्रेशर नहीं देना है वरना कलर आपका टूट जाएगा। ओके, चलो हमारा ग्रीन कलर का बलून भी रेडी हो गया। तो हमारे पास अभी दो बलून है, रेड एंड ग्रीन। अब हम ब्लू करेंगे। चलो ब्लू करेंगे, फिर बाद में येलो भी फटाफट से कर देंगे पर अच्छी तरह। ओके, देखो ब्लू भी हो गया और येलो भी हो गया, हमारे चार बलून रेडी हो गए, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। इसी तरह आपको करना है और अच्छे से करना है। अगर अच्छा करोगे तो मम्मी यहाँ पे आपको ऐसे स्टार देगी। ओके, मम्मी से बोलना है ऐसे आपको स्टार दे दे। तो आज का हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट फिनिश हुआ। आई होप आप घर पे अच्छे से करोगे। ओके, और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी और सॉरी मैथ्स और इंग्लिश की जो आपको रिटन वर्क करवाया है, ओरल वर्क कराया है, उसका भी प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों आज आपका रिटन वर्क कुछ भी नहीं है, आपको बस ये कलर करने हैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो इंजॉय। ओके, अब हम जीके ओरल कर लेते हैं। जीके ओरल, ये रहा जनरल नॉलेज यानी जीके। तो हमारा अवर बॉडी फ्रूट्स हो गया, कल हमने वेजिटेबल्स और फूड 1-2 ले लिया, आज हम बेवरेजेस एनिमल्स एंड बर्ड्स तीनों ले लेंगे। ओके, ये रही हमारी पिक्चर बुक। आपको भी मेरे साथ बोलना है। ओके, तो हम ओरल स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट ओरल है बीवरेजेस यानी सुबह का नाश्ता। मिल्क, हॉट कॉफी, लेमन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक, सूप, लस्सी, टी, जूस। हमारा बीवरेजेस खत्म हुआ, आपको भी घर पे लर्न करना है। सेकंड ओरल हमारा है एनिमल्स। आपको पता है ना एनिमल्स यानी क्या होता है? आप पिक्चर देखोगे तो आपको आइडिया तो आ ही जाएगा कि एनिमल्स किसको बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते, आपको भी रिपीट करना है मेरे साथ। ओके,
अगर रिपीट करोगे तब भी आपको याद रहेगा, तब भी आपको आएगा ये, तो आपको बोलना है टाइगर। मंकी, बंदर, क्या बोलते हैं उसको, बंदर। मंकी, जिराफ, लायन, डियर, डॉग, रैबिट, का, एनिमल्स हमारा ख़त्म हुआ। अब आएंगे अब बर्ड्स पे। बर्ड्स यानी पंछी जो स्काई में फ्लाइंग करते हैं, देखा है ना आपने, आपके घर पे भी आते होंगे। पिजन, पैरट, पीकॉक, स्पैरो, स्पैरो यानी चिड़िया, ऑस्ट्रिच, डक, ईगल, पेंगुइन, हमारे यहाँ पे तीनों ओरल फिनिश हुए, बीवरेजेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस लेक्चर में जो ओरल करा है उसका भी प्रैक्टिस करना है डेली। ओके तो बच्चों आज का हमारा क्लास फिनिश होने जा रहा है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँ। तो हमने जैसे इंग्लिश में और मैथ्स में स्टैंडिंग लाइन करवाई है, वो अगर आपका होमवर्क और क्लास वर्क फिनिश हो गया है तो आपको प्रैक्टिस और करना है, पर आपको प्रैक्टिस स्कूल के नोटबुक में नहीं करना है, आपको रफ़ नोटबुक में घर पे जो भी एक्स्ट्रा बुक पड़ी उसमें करना है। आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तो उसको आपको कंटिन्यू रखना है। ओके और आज मैंने जो आपको गुड हैबिट सिखाई उसको आपको फॉलो करना है, अच्छे बच्चे बनना है। ओके और आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पेज है वो भी आपको फिनिश करना है, आपका आज कोई रिटर्न वर्क तो है नहीं, तो आपको इन्जॉय करना है। आपको अपनी सारी बुक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, बड़ी बुक, छोटी बुक, जो भी हो, नीट एंड क्लीन रखना है और अपना क्लास वर्क हो